हेलो एंड वेलकम टू दी फिफ्थ एपिसोड ऑफ एस फाड़ पॉडकास्ट, पांचवा एपिसोड बहुत लंबे गैप के बाद। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं पॉडकास्ट को वापस चालू करूँ, पर कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन रहे थे कि चालू नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली फिफ्थ एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और एक वीडियो पॉडकास्ट लेके फाइनली, क्योंकि इनिशियली जब मैंने ये पॉडकास्ट चालू किया था तो मैं चाहता था कि ये पॉडकास्ट वीडियो ही रहे। पॉडकास्ट चालू होने के बाद एक बात और खास देखने को मिली कि लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आ रहे थे, कुछ कॉल्स भी आए जिनका ये कहना था कि पॉडकास्ट को तू वीडियो में कन्वर्ट कर, ऑडियो और GIF में हम लोग शायद उतना समझ नहीं पा रहे हैं या हम लोग चाहते हैं वीडियो कंटेंट में डेवलप हो। तो मैंने फाइनली अब इस पॉडकास्ट को वीडियो में कन्वर्ट किया है और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए कुछ खास एस फाड़ स्टोरीज लाया हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली स्टोरी जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, उसको बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। सो आज की पहली स्टोरी है इंदौर के पास देवास नाम की एक जगह से। इस जगह को आप इस तरीके से लीजिए जैसे दिल्ली के पास फरीदाबाद है, मुंबई के पास थाने कल्याण ऐसे काफी एरिया है, वैसे ही इंदौर के पास देवास है जहां से कुछ लोग अप डाउन करते हैं, यानी कि कुछ लोग इंदौर से देवास भी जाते हैं, कुछ लोग देवास से इंदौर भी आते हैं डेली बेसिस पे। तो वहाँ की जो डेली अप डाउन एसोसिएशन है, उन लोगों ने बड़ी डिमांड करी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से कि उन्हें सिटी बसेस दी जाएँ डेली अप डाउन के लिए, वहाँ पे उस रूट पे सिटी बसेस चालू की जाएँ। पर क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेप्ट होती नहीं है, जल्दी सॉल्यूशंस निकलते नहीं हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम सारी चीज़ें पंचवर्षीय योजना में चली जाती हैं, तो उस वजह से जो अप डाउन एसोसिएशन है उनके लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया जाए, एक छोटा सा आंदोलन किया जाए जिसके थ्रू गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्टअप किया जाए कि भाई यहाँ पे बसेस चालू कर दी। और हमेशा की तरह जो इंडिया की एक खास बात है कि इन लोगों ने उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि प्रोटेस्ट के लिए इन लोगों ने कुछ भैंसों का अरेंजमेंट किया और इन्होंने भैंसों के आगे बीन बजाने का प्लान बनाया। इन्होंने भैंस इकट्ठी करी, अपने सारे प्रोटेस्टर लोग इकट्ठे किए, सब लोग एक जगह जाके इकट्ठे हुए और इन्होंने वहाँ पे भैंस के आगे बीन बजाना शुरू करी। वहाँ पे मीडिया भी आई हुई, रास्ते में चलते हुए लोग भी देख रहे कि क्या हो क्या रहा है। अब चुतियाप वाली बात यह है कि इन लोगों को एक बात याद नहीं आई कि बचपन में हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। ये क्यों पढ़ाया गया है अब ये अपन को पता पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने जब बीन बजाई तो भैंस गई भड़क और भैंसों के भड़कने से इनके बीन बजाते ही भैंसों ने इनको रोड पे दौड़ाना शुरू कर दिया। जब मेरे को ये न्यूज़ पता पड़ी तो मेरे को इतनी ज़ोर से हंसी आई, इस स्टोरी को सुन के इतनी ज़ोर से हंसी आई, क्योंकि मेरे को सबसे पहले क्या याद आया कि बचपन में जो पढ़ाया गया था कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाते, वो क्यों पढ़ाया गया था? वो इसलिए पढ़ाया गया था कि भैंस के आगे अगर बीन बजाओगे, ये नहीं है कि भैंस को सुनाई नहीं देता, भैंस को सुनाई देता है, पर भैंस को बीन पसंद नहीं है, भैंस आपको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, पर इन लोगों ने ट्राई किया और इनको मालूम पड़ गया कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ जंप करते हैं स्टोरी नंबर 2 पे। आज की सेकंड स्टोरी है दिल्ली NCR से, जहां पे कुछ लोगों ने एक लूट का प्लान बनाया और लूट का प्लान बनाने के लिए उन्होंने एक बिजनेसमैन पे लगातार नजर रखी। नज़र रखने के दौरान उन्हें पता पड़ा कि इस बिजनेसमैन का डेली कुछ पॉइंटों पे आना जाना है और वहाँ पे हमेशा इसके बैग के अंदर कैश रहता है। इस उम्मीद के साथ कि बैग के अंदर कैश रहता है, इन लोगों ने लूट का प्लान बनाया। लूट के मास्टरमाइंड खालिद ने अपने चार दोस्तों को और इकट्ठा किया इस प्लान को अंजाम देने के लिए। जब उसने अपने चार दोस्तों को और इकट्ठा किया, इन लोगों ने लगातार बिजनेसमैन की रेकी करी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये बिजनेसमैन की लूट करेंगे उसकी आंख में मिर्ची डाल के। फाइनली जिस दिन ये लोग लूट करने वाले थे, उस दिन ये लोग उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे बिजनेसमैन को लूटने वाले थे। इन्होंने बिजनेसमैन की आंख में मिर्ची झोंकी, बिजनेसमैन जमीन पे गिर पड़ा, उसकी गाड़ी और उसका बैग छीन के ये वहां से भाग निकले।
बिजनेसमैन की जेब में उस समय 10,000 रुपये पड़े थे, पर इन्होंने उसकी पॉकेट में हाथ नहीं डाला, उसके वॉलेट वगैरह को चोरी नहीं किया, उसकी जेब में चेक नहीं करी। गाड़ी लेके भागने के बाद और बैग लेके भागने के बाद इनको उम्मीद थी कि कम से कम इस बिजनेसमैन के बैग में 5-10 लाख रुपए तो होंगे। जब इन लोगों ने उस बैग को खोल के चेक किया तो उस बैग के अंदर 5 का सिक्का निकला। डिग्गी खोली, डिग्गी खाली निकली। और बाद में जब ये स्कूटर बेचने गए तो इनसे स्कूटर भी नहीं बिका। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। और उसके बाद ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री में पकड़े लग गए। रुक, ये ले ले, लेके जा, ये भी लेके जा, भिखारी साला। तो आज की थर्ड स्टोरी है यूपी के बाराबांकी से, जहां पे शिवनंदन नाम के एक लड़के की 10 की जगह 12 उंगलियां हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल है, 12 उंगलियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर ये उंगलियां उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, उसको ये आइडिया नहीं था और ऐसा हो रहा है। शिवनंदन के 2 रिश्तेदार भागीरथ और हंसराज को किसी तांत्रिक ने ये बोला कि अगर वो ऐसे किसी इंसान की जिसकी 12 उंगलियां हों बलि देते हैं तो वो अमीर हो जाएंगे, वो पैसे वाले हो जाएंगे। ये जानते ही हंसराज और भागीरथ का दिमाग घूमा और उन्हें याद आया कि उनके रिश्तेदार शिवनंदन की 12 उंगलियां हैं और इसकी बलि क्यों न दी जाए। उन लोगों ने कैसे तैसे बहला फुसला कर शिवनंदन को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने उसके पाँव पर निशान लगाया, उसके पाँव की उंगलियों पर निशान लगाया, और उसके बाद तांत्रिक ने बलि देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि दिन शुक्रवार है और ये दिन शुभ नहीं है, धन प्राप्ति तभी होगी जब इसकी बलि गुरुवार को दी जाएगी। इसी के साथ शिवनंदन को उसके रिश्तेदारों ने घर पे छोड़ा और उसे धमकी दी कि अगर तुमने घर में किसी को कुछ बताया इस बारे में तो तुम्हारी जान ले लेंगे। घबराए हुए शिवनंदन ने ये पूरी की पूरी बात अपने माता पिता को बता दी। आज से कुछ दिन पहले उसके पिताजी ने थाने के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा वाक्य, पूरा का पूरा किस्सा पुलिस को बताया। पुलिस ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करी है और अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हैरानी वाली बात यह है कि हमारे देश में जहां हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे देश में जहां मार्स मिशन के ऊपर इसरो काम कर रहा है, देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बेवकूफ़ी पे यकीन करते हैं, इस तरीके के चूतिया पे बिलीव करते हैं और वो इंसान होके दूसरे इंसान की जान लेने पे तुले हुए हैं। तो इसी के साथ एस फाड़ पॉडकास्ट का एपिसोड 5 हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको समझ में आए वो करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और यस सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। नेक्स्ट स्टोरी आप चाहते हैं मैं क्या कवर करूं, उसके लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।